हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सुमित्रा, शशांक, भाग्यश्री, संदीप कुमार, सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। जितना भी पूरा वीक में हमने पढ़ा है उसको आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक रहा है वो वीक में रहा है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो लास्ट वीक का टॉपिक था वो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आज हम एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो दोस्तों, जितना भी आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस सिविलाइजेशन में जो भी आपने नॉलेज गेन की है उसका आज हम टेस्ट करेंगे, एक क्विज करेंगे। और क्वेश्चन आपके हैं 20 क्वेश्चन है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑलमोस्ट वही टॉपिक मैंने रखे हैं जो आपको मैंने करवाए हैं गाइस, ठीक है। तो काफी अच्छा भी लगेगा आपको, एक कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होगा इस टेस्ट से। सो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं गाइस वहां पे आप एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दें। उसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं प्लस कोर्स के बारे में। तो अभी आपका जो प्लस कोर्स आज से ही स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आज से हमने स्टार्ट किया है स्टोरियोग्राफी, यानी यूनिट 10 से हमने शुरुआत की है। और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। और ये बैच आज से आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग है आपके दोस्तों 11 बजे डेली आपकी क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। सो जिसको भी प्लस पे पढ़ना है और कंप्लीट पेपर की तैयारी करनी है आपको, हिस्ट्री के कंप्लीट पेपर की तैयारी करनी है पेपर टू, तो आप इस कोर्स को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। उसके बाद में जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो दोस्तों रेफरल कोड आप शिव10 अप्लाई करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इससे इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइस आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी अगर आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि दोस्तों इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके इसमें तैयार हो जाएंगे। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों इसमें आपके तैयार हो जाएंगे। और पेपर 2 आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और पेपर 1 में दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलप एंड एनवायरमेंट, ठीक है। ये 3 यूनिट है जो आपको मैं करवाने वाला हूँ। ओके जी, तो आगे चलते हैं। और जब भी आप कोर्स लेंगे तो या तो 12 मंथ का लीजिएगा या 24 मंथ का आपका कोर्स लेना है। उसके बाद में जब आप कोर्स लें तो रेफरल कोड याद रखिएगा गाइस शिव10, इससे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, तो आपको 20% तक डिस्काउंट इसमें मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारे फायदे होंगे आपको, रेगुलर आपको PDF मिलेगी इसमें, है ना, मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं आपको, डाउट सेशन होंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपका एजुकेटर से। तो ये सारे फायदे हैं आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करने। उसके बाद में ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो अपडेट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो आपको नोटिफिकेशंस यहाँ से मिलते रहेंगे। तो जिसने भी फॉलो नहीं किया वो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज की जो स्पेशल क्लास है दोस्तों वो है 8 PM पे, हमने टाइम थोड़ा सा चेंज किया है, तो पेपर 1 की जो स्पेशल क्लास है वो आज 8 PM पे होगी। जस्ट इस क्लास के बाद में हम जो स्पेशल क्लास है उसको कंडक्ट करेंगे, तो आप सभी लोग इस क्लासेस को भी देखिए, ये फ्री क्लासेस आपकी, ये आपकी फ्री क्लासेस है। सो गाइस स्टार्ट करें, एक बार मुझे सभी लोग थम्स अप करके बता दें, आर यू रेडी, आप रेडी हैं सभी लोग, एक बार थम्स अप करके बताएं कि सर रेडी हैं। और एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे एक बार वीडियो को शेयर करो फटाफट से, जल्दी से एवरीवन। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा पहला, इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइगर, एलिफेंट, हम, बुल या यूनिकॉर्न, इसका उत्तर दीजिए। आपके पास है दोस्तों 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आपका आंसर देना है, तो बताइए टाइम आपका स्टार्ट होता है। इसका आंसर देंगे आप, इन मोस्ट ऑफ द हरप्पन सील, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी जो सील है सिंधु सभ्यता की जो आपकी सील है, उनमें सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल है
वो आपका रिप्रेजेंट हुआ है, टाइगर हुआ है, एलिफेंट हुआ है, हम्प बुल हुआ है या यूनिकॉर्न हुआ है। सो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1, A, B, C या D? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जो आपकी इंडस सील है वहां सबसे ज्यादा कौन से एनिमल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कौन से एनिमल को सबसे ज्यादा दर्शाया गया है सील पे, टाइगर को, एलिफेंट को, हम्प बुल को या यूनिकॉर्न को, ए बी सी या डी? सो आंसर क्या है आपका, आंसर होगा दोस्तों सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और काफी लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया है, संदीप कुमार, शशांक मणिमौर्या, भाग्यश्री, रेखा, शिल्पा, सुमित्रा मुखर्जी, एवरीवन। सो गाइस आंसर बिल्कुल ठीक है, हम बेल जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो और आपके कुछ और भी सील्स मिले हैं आपको, जैसे पशुपति की सील मिली है, इसमें आपको 5 एनिमल बेसिकली आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आपका यूनिकॉर्न सील है, तो और भी टाइप्स की आपको यहाँ पे सील्स मिलती हैं गाइस। तो सील्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी सील्स कहाँ कहाँ से मिली है, और सबसे ज्यादा आपका जो हम्प बैल है उसको इसमें दर्शाया गया है। नाउ क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया? अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सील की जब मैं बात करता हूं, तो एक तो पशुपति की सील है आपकी, और एक आपके यूनिकॉर्न सील है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अब पशुपति वाली जो सील है उसमें आप याद रखिएगा, उसमें कितने एनिमल है दोस्तों, टोटल 5 एनिमल है, राइनो, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर और आपके 2 डियर है, ये है आपके पशुपति सील में, ये वाली सील है ना। उसके बाद में आपका एक यूनिकॉर्न सील है जिसकी बात हमने कल भी की थी, ये एक माइथोलॉजिकल सील है दोस्तों, है ना, और अर्ली स्टेज ऑफ जो सिविलाइजेशन है उसको बताया है। तो इसको याद याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। बुल सील इज द करेक्ट आंसर, यानी हम बैल जो बुल है वो करेक्ट आंसर आपका होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। नो ट्रेस ऑफ डैश हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से किस चीज का पता नहीं लगा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सुगर कैन, मस्टर्ड, सीसम या बार्ले? कौन सी फसल है जिसका जिक्र आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है, नो ट्रेस ऑफ डैश हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुगर कैन, मस्टर्ड, सीसम या बार्ले? 20 सेकेंड आपके पास में है, और 20 सेकेंड में आंसर दीजिए आप सभी लोग, एवरीवन। नो ट्रेस ऑफ डैश हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुगर कैन, मस्टर्ड, सीसम या बार्ले? किसका जिक्र आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है, नो ट्रेस ऑफ डैश हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ द आंसर इज दोस्तों ए, सुगर कैन का आपको जिक्र नहीं मिला है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद इसको रखिए, भूलिए मत, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, सुगर कैन का जिक्र आपको नहीं मिला है, ठीक है जी, तो याद रखना, सो इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए किस किस का जिक्र आपको मिला है यहाँ पे, बेसिकली आपको बार्ले का मिला है, वीट का भी मिला है दोस्तों, राइस का भी मिला है ना, ये सारे के सारे जिक्र आपको मिले हैं, लेकिन आपको सुगर केन का जिक्र नहीं मिला है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके जैसे कि बार्ले भी मिला है, वीट भी मिली है, पल्सेस भी मिला है, पीज भी मिली है, राइस, सीसम, लाइन सीड, मस्टर्ड, ये सारे के सारे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं, और किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया गाइस, ठीक है। सभी ने इसका गलत किया है, किसी एक ने गलत किया, उसका सबने कॉपी किया और गलत कर दिया क्वेश्चन को, तो प्लीज ऐसा मत करो, अपने आंसर दीजिए गाइस, ठीक है। तो सीसम आपका मिला है वहां पे, ठीक है,
तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ई, ई इज द करेक्ट आंसर। आपको शुगर केन नहीं मिला, बाकी सारी की सारी चीजें आपको मिली। नाउ अभी समझ में आया, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ से, आप एवनी वन कोई भी डाउट हो तो प्लीज यहाँ से पूछ लो, ठीक है। शुगर केन नहीं मिलता है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा मेरा, अ योगी ऑफ द हरप्पन सील वियरिंग अ होर्न हेड ड्रेसेस एंड सराउंडेड बाय द एनिमल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ, रुद्र, मुरुगन, महायोगेश्वर या पशुपति शिवा, इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। जो हड़प्पा में आपको एक योगी मिला है, हड़प्पा की जो सील है, ठीक है, हड़प्पा की जो आपकी सील है उसमें आपको एक योगी मिला है, वो दोस्तों कौन से भगवान को दर्शाता है, तो इसका आंसर बताओ। रुद्र से दर्शाएगा, मुर्गन से दर्शाएगा, महायोगेश्वर से दर्शाएगा या पशुपति शिवा से दर्शाएगा, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताएं आप सभी लोग जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। अ योगी ऑफ द हरप्पन सील वियरिंग अ होर्न हेड ड्रेस एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड विद, रुद्र, मुर्गन, महायोगेश्वर या पशुपति शिव, दीजिए इसका सभी लोग आंसर क्या होगा। तो काफी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं और डी इज द वेरी करेक्ट आंसर दोस्तों, तो इसका भी डी आंसर है वो 2+ अपने स्कोर में कर लीजिएगा इस, ठीक है। तो जो पशुपति शिवा है उसके रूप में इस योगी को दर्शाया गया है, ठीक है जी। तो ये है आपका मोहनजोदड़ो के पशुपति, ठीक है। और इसको कैसे बताया गया है दोस्तों, एक योगी की तरह बताया गया है ना, और इसको हम मानते हैं कि ये शिव भगवान के रूप में ही इसको दर्शाया गया है दोस्तों, है ना। और अ पेयर ऑफ होर्न क्राउन ही सेड, देखिए दो सींग है इसके यहाँ पे, आप देखोगे तो करीब से इसको देखोगे तो, है ना, और चारों तरफ आपके क्या है दोस्तों, एनिमल्स है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, एक बफेलो है, एक राइनो है ना, एक एलिफेंट है, एक टाइगर है ना, दोनों तरफ आपके दो डियर आपको मिलेंगे, तो ये भी आप याद रख लीजिए। इतना समझ में आया गाइस, ये कल भी बात हमने की थी, पशुपति का मतलब लॉर्ड्स ऑफ एनिमल यानी पशुओं के देवता, लॉर्ड्स ऑफ एनिमल, तो ये हो गए आपके पशुपति गाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर है दोस्तों डी, डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी सही है 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं, एवरीवन जिसका भी डी आंसर है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर लीजिएगा, क्योंकि डी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। अमरीकल्चर फ्लरिश इन द कच्छ रीजन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या सिंध, जो आपका अमरीकल्चर है, ठीक है, वो कौन से रीजन में फ्लरिश हुआ है। मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, 20 सेकंड में आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अमरीकल्चर फ्लरिश इन द कच्छ रीजन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, कौन से रीजन में है आपका अमरीकल्चर, कच्छ रीजन में है, अफगानिस्तान में है, बलूचिस्तान में है या सिंध वाले रीजन में, बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। अमरीकल्चर फ्लरिश्ड इन द कच्छ रीजन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या सिंध वाले एरिया में है आपका, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा एवरीवन, ए बी सी या डी। तो फोर्थ का काफी लोग ए आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों का ठीक है। तो आंसर आपका ए नहीं है दोस्तों, आंसर है आपका डी, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। जो आपका अमरीकल्चर है वो आपका जो सिंध वाला एरिया है उसमें है, और ये हमने क्लास के टाइम पे डिस्कस भी किया था गाइस, ठीक है।
तो किसी ने आंसर सही नहीं दिया है, सब लोग एक दूसरे की कॉपी करके आंसर दे रहे हैं। दोस्तों अपना आंसर दीजिए प्लीज, है ना, किसी का कॉपी मत करो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंध। सो डी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर गाइस। ओके डी आंसर होगा कैसे, देखिए अब देखिए काफी लोग इसका क्या दे रहे हैं आंसर, कच्छ रीजन दे रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों। तो आप देखिए ये है आपका अमरी, ठीक है, और ये कहां पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, नोट ए, डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, और बहुत कम लोगों ने इसको सही किया है गाइस, है ना, ये है आपका अमरी, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। ओके इतना क्लियर है, तो आंसर क्या होगा आपका, सिंध वाला रीजन। नाउ क्लियर, जिसका भी डी आंसर है वो 2+ कर लीजिए अपने आंसर्स में। अब उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। बताइए इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से पीरियड से संबंधित है दोस्तों, हिस्टोरिकल पीरियड से, ऐतिहासिक काल से, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, प्रोटो पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ए बी सी या डी। 22nd है आपके पास में, और आप बताओ कि कौन से पीरियड से आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बिलोंग करता है, एंड विद रीजन आप बताओगे कि आपने इसको ये आंसर क्यों दिया है गाइस। तुक्का मारो लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। तो एवरीवन बताइएगा, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड, बताइए आंसर। एवरीवन जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा आपका, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सो माया सैनी ने पहला आंसर दिया है टोपी बम, बी अफरीन, संदीप, भाग्यश्री, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर बी दिया है, तो चलो बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए गाइस, ठीक है। तो जब हमने हिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, तब आपको हिस्ट्री का मतलब मैंने समझाया था, हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास को 3 भाग में हम मोटा मोटा डिविजन करते हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी इसको प्राक ऐतिहासिक काल भी अपन बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आग ऐतिहासिक काल, ठीक है। आग ऐतिहासिक काल, एक आपका होता है दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, कि जहां पे आपके पास क्या है दोस्तों, स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं है, नो स्क्रिप्ट। और इसका अध्ययन सिर्फ आप किसकी वजह से करते हैं, आप आर्कियोलॉजी की वजह से इसका अध्ययन कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है, पुरातात्विक जो आपका अध्ययन है वही कर पाते हैं, यानी पुरातात्विक जो आपके जो अवशेष मिले हैं उससे अध्ययन कर पाते हैं। प्रोटो हिस्ट्री ऐसा पीरियड होता है जहां पे क्या है दोस्तों, स्क्रिप्ट है आपकी बट अपठनीय है, ठीक है, लेकिन अपठनीय मतलब अनरीडेबल, नॉट रीडेबल, उसको पढ़ नहीं पाए, उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं दोस्तों,
नोट रीडेबल है। तो ऐसी इतिहास के पीरियड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटो हिस्टोरिक। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, उसको पढ़ नहीं पाए हैं दोस्तों, इसीलिए इसको मैंने बोला है कि आपका क्या है, ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है दोस्तों। नाउ इतिहास में क्या है, आपके पास स्क्रिप्ट भी है प्लस वो रीडेबल भी। तो ऐसे पीरियड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इतिहास बोलते हैं। तो ये एक सामान्य सा वर्गीकरण है जिसके आधार पर मैंने आपका ये आंसर दिया है आपका। चलो क्लियर एवरीवन, तो बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलो जी, है ना, नाउ समझ में आई, इतनी बात आपको क्लियर है दोस्तों, तो एक बार बता दीजिए, है ना। अब उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है। तो ये है आपका सिक्स क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट वाज अ स्मॉल पोर्ट सपोज टू हैव बीन एन इनपोक डिस्कवर्ड, चहुंदरो, मोहनजुदारो, लोथल या धोलावीरा। At which of the following Indus site was a small port supposed to have been an ink pot discovered? Chahundro, Mohenjo-daro, Lothal ya Dholavira? Kya hoga aapka answer? A, B, C ya D? Jo aapko ink pot hai, wo kahan se mila hai aapko? Simple sa answer batana hai bas. Batao. At which of the following Indus site was a small port supposed to have been डिस्कवर्ड? ए, बी, सी या डी? चहुंदरो, मोहनजुदारो, लोथल या धोलावीरा। तो माया सैनी फर्स्ट आंसर दे रहे हैं ए, अभिजीत भी ए दे रहे हैं, पोपी बम, टोपी बम सी, अफरीन, भाग्यश्री, शीतल, संदीप, ऑलमोस्ट सभी लोग इसका आंसर क्या दे रहे हैं गाइस, ए। तो चलो जी, वेरी गुड, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही बात है ना। तो चहुंदरो से आपका इंपोर्ट की जानकारी मिली है, ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये चहुंदरो से मिले, लेकिन चहुंदरो से अदर फाइंडिंग्स क्या क्या है, चहुंदरो से आपको और क्या क्या चीजें मिलती है, तो ये बताओ अदर फाइंडिंग्स। अदर फाइंडिंग्स क्या क्या है चहुंदरो से, तो बताइए एवरीवन, एट विच, जो आपकी चहुंदरो है वहां से और क्या क्या चीजें आपको मिली है, तो एवरीवन एक बार बता दीजिए क्या होगा आंसर। तो लेट्स सी क्या क्या मिला है गाइस, तो एक बार देख लीजिए कि चहुंदरो से क्या मिला है। यह है आपका चहुंदरो, 1931 में इसकी खोज हुई थी दोस्तों, पाकिस्तान का जो मुलान संधा है उस रीजन में आपका बिलोंग करता है दोस्तों, सिंध ऑन द इंडस रिवर, ठीक है, एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। और यहां से क्या क्या मिला है दोस्तों आपको, बंगाल की फैक्ट्री मिली है, है ना, ये एक फैक्ट्री टाउन भी माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों, एक फैक्ट्री टाउन के रूप में भी ये जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंकपोर्ट मिला है, बीड मेकर सोप मिली है आपको, डोग जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है, कार्ट विद द सीटेड ड्राइवर, और ये एक ऐसी सिटी थी दोस्तों जहां पे क्या मिलता है आपको, सिटाडेल नहीं मिलता है, द सिटी ओनली सिटी विद द सिटाडेल, ठीक है जी। तो ये चीजें थी जो आपको मिलता है गाइस, क्लियर, तो इसको आपको याद रखिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट में आप ले सकते हो गाइस, ठीक है, तो भूलना नहीं है, क्लियर एवरीवन, ओके। तो इतना याद रखना है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर कल हमारा जो स्कोर हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, तो दोस्तों अगर आपका टारगेट 2021 वाला एग्जाम है तो आप प्लस कोर्स पे ज्वाइन करो, वहां पे हम डिटेल में सारी चीजें दोबारा से करेंगे, ए टू जेड चीजें आपको पढ़ाऊंगा विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ए टू जेड आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो जिसका भी टारगेट आपने नेक्स्ट एग्जाम बनाया है वो देर मत करो, अभी से आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिससे आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारी चीजें नहीं करवा सकते,
है ना, एक लिमिटेशन होती है दोस्तों। तो प्लस पे आओ, अपना एक टारगेट सेट करो और पढ़ाई आपकी शुरू कर दीजिए वहां से, है ना। क्योंकि बाद में आप पछतावा होता है गाइस, ठीक है। अभी आपके पास में हथियार है, उन हथियारों का यूज करो, ठीक है। बाद में ये मत बोलो कि युद्ध में जाने के बाद कि हमारे पास हथियार ही नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास हथियार ही नहीं है तो कैसे जीत पाओगे। इसलिए आपके पास अभी टाइम है, समय से कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बाद में पछताना ना पड़े दोस्तों इस बार की तरह, ठीक है। बाकी हमारे प्लस के स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि उनको कितना फायदा हुआ है इस बार क्लासेस से, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे आप सभी लोग, क्या होगा। विच वन ऑफ द हरप्पन सिटीज इज मार्क बाय द कॉन्स्पिशियस एब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। हरप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या देसलपुर, बताइए। विच वन ऑफ द हरप्पन सिटीज इज मार्क बाय द कॉन्स्पिशियस एब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। हरप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या देसलपुर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। विच वन ऑफ द हरप्पन सिटीज इज मार्क बाय द कॉन्स्पिशियस एब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। हरप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या देसलपुर, आपको कहां से टेराकोटा के फिगर नहीं मिले हैं, यह आंसर आपको बताना है। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 10 सेकंड लेफ्ट है, 10 सेकंड में आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। एवरीवन, विच वन ऑफ द हरप्पन साइट सिटीज इज मार्क बाय द कॉन्स्पिशियस एब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। हरप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या देसलपुर। सो दोस्तों आंसर क्या होगा आपका, आंसर है सी, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। कालीबंगा से आपको कोई भी टेराकोटा जो फिगर है उसके अवशेष नहीं मिले हैं, नो टेराकोटा फिगर, ठीक है। तो याद रखो दोस्तों, भूल लो मत इसको, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, है ना, तो इसको याद आप रखिएगा। ओके, क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है। अब मुझे ये बता दो कि कालीबंगा से क्या क्या मिला है आपको, कालीबंगा से आपको क्या क्या चीज मिली है। कल भी आपको मैंने रिवीजन करवाया था, तो एक बार बताते जाओ फटाफट से, कालीबंगा की मेन मेन फाइंडिंग्स क्या क्या है। कालीबंगा से क्या क्या चीजें आपको मिली है बताइए इसका आंसर एवरीवन। देखो, टेराकोटा की फिगर तो नहीं मिली है, ये बात तो क्लियर कर दी इस क्वेश्चन ने, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिला क्या क्या है दोस्तों, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मिला क्या है यहां पे। तो देखो, एक तो फायर अल्टार मिले हैं, फायर अल्टार का मतलब दोस्तों जो आपका हवन कुंड है वो मिला है। उसके बाद में दोस्तों प्लो फील्ड मिले हैं, जोते हुए खेत मिले हैं आपको, और क्या मिला है गाइस, उसके बाद में आपको कैमल की बोन मिली है, ब्लैक बेंगल्स मिले हैं आपको, ठीक है, ब्लैक बेंगल्स मिले हैं। और बताइए मुझे क्या क्या मिला है गाइस एवरीवन, कालीबंगा से और क्या क्या चीजें मिली हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल जूते हुए खेत, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मोटा मोटा चीज ये मिला है गाइस। अब और देखो क्या क्या छूट गया है आपका, वुडन ड्रेनेज मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली हैं आपको, लकड़ी की जो नाली है वो भी आपको मिली है, तो ये भी आपको याद रखना है। लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिला है आपको, है ना, कि अक्सर सिटीज में क्या होता था दोस्तों, अपर टाउन होता था वो फोर्टिफाइड मिला है, अपर टाउन होता था वो फोर्टिफाइड मिला है,
लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है, यहाँ पे जो लोअर टाउन है आपका वो भी फोर्टिफाइड मिला है, ठीक है। कोपर ऑक्स मिली है, अर्थक्वेक के भी आपको अवशेष मिले हैं, है ना, जो आपका अर्थक्वेक आया था यानी आपका भूकंप आता है उसके अवशेष भी आपको मिलते हैं। वुडन फ्लो मिला है, कैमल बोन मिली है, फायर अल्टार्स है ना, और फरोड लैंड। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिली है, कालीबंगा से। कालीबंगा की डिस्कवरी कब हुई थी, 1953 ईस्वी में। कालीबंगा है कहां पे दोस्तों, राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पे है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कहां पे, गग्गा रिवर के किनारे है। खोजकर्ता कौन है दोस्तों, अमलानंद घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना। कालीबंगा 1953, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई, इसका डिस्कवरी की गई। क्या क्या चीज मिली है, ये सारी की सारी चीज आपको मिली है। ओके जी, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आठवां क्वेश्चन, और आठवां क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन क्या है मेरा दोस्तों, ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड एट। राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस आपको कहां से मिलते हैं, आलमगीरपुर एंड सुरकोटड़ा, ठीक है, लोथल एंड रंगपुर, धोलावीरा एंड कालीबंगन, या ओल्ड हरप्पन टाइप्स, बताइए इसका आंसर, ठीक है। जो राइस है, राइस की खेती यानी आपकी जो चावल की खेती है, उसके अवशेष कहां कहां से मिले हैं आपको, आलमगीरपुर एंड सुरकोटड़ा, लोथल एंड रंगपुर, धोलावीरा एंड कालीबंगन, उसके बाद में है ओल हरप्पन साइट्स। सो बता दो आप सभी लोग एक बार जल्दी से मुझे, क्या होगा इसका आंसर। ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड एट आलमगीरपुर एंड सुरकोटड़ा, लोथल एंड रंगपुर, धोलावीरा एंड कालीबंगन, या ओल द हरप्पन साइट, यह सारी की सारी जगह पे आपको मिला है। सो माया सैनिक बी दे रहे हैं, यहाँ पे अभिजीत ने भी बी दिया है, संदीप कुमार, भाग्यश्री, शशांक सिंह साहब ने, शीतल सिंह साहब एक बार देखिए दोबारा से आप, है ना, मनिंदर, रेखा, और वो सभी लोग भी आंसर दे रहे हैं, तो देखते हैं कितने लोगों का सही होगा। एंड गाइस, कुछ लोग पूछे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो गाइस पीडीएफ लेने के लिए आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस पे आपको सारे के सारे पीडीएफ भी मिलेंगे, और एक पर्सनलाइज गाइडेंस है वो भी आपको मेरे द्वारा मिलेगी। जब आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं और रेफरल कोड आप मेरा लगाएंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर है दोस्तों बी, बी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपके दो जगह से आपको किसके चावल के अवशेष मिले हैं, कहां कहां से मिले हैं चावल के अवशेष, एक तो आपको लोथल से मिला है, एक आपका रंगपुर से मिला है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लोथल और रंगपुर है कहां पे, इनकी लोकेशंस क्या है दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया कि आपके जो राइस के अवशेष मिले हैं वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरा एक और है दोस्तों कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, लोकेशन कहां पे है, भारत में है या पाकिस्तान में है, है ना। अगर कौन से भी देश में है तो कौन से राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है लोकेशन। सो वेरी गुड, शीतल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। आंसर क्या होगा दोस्तों, गुजरात। तो ये देखिए, ये तो है मेरा लोथल और ये है मेरा रंगपुर, ठीक है। तो दोनों के दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है दोस्तों, गुजरात में अवस्थित है। तो ये मेरा रंगपुर हो गया, ये मेरा लोथल हो गया। ओके जी, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब लोथल पढ़ा रहा था दोस्तों, है ना, तो लोथल पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताया था गाइस कि आपके जो राइस हस्क है वो आपको कहां मिले हैं दोस्तों। राइस हस्क हैव बीन फाउंड ओनली एट द लोथल एंड रंगपुर। याद करो वो पुराने जमाने की यादें, बातें जो मैंने आपको बताई थी, आपने याद नहीं रखी, और याद नहीं रही तो क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो एक तो लोथल एंड रंगपुर, यहां से आपके जो चावल है उसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष आपको मिलते हैं।
देन उसके बाद में होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हरप्पन साइट हैज बीन फाउंड अलोंग द सतलुज, इंडस, घग्गर एंड हकरा या रावी। इसका आंसर बता दो आप। द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हरप्पन साइट हैज बीन फाउंड अलोंग द सतलज रिवर, इंडस रिवर, घग्गर या हकरा रिवर या रावी। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हरप्पन साइट हैज बीन फाउंड अलोंग द सतलज रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है, घग्गर हकरा रिवर के किनारे है या रावी के किनारे है। ठीक है, आंसर है दोस्तों आप 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आप सभी को आंसर इसका दीजिएगा एवरीवन। तो देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, है ना। तो लेट्स सी, आंसर है दोस्तों आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। जो घग्गर और हकरा जो आपका रिवर है वहां पे सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द हरप्पन साइट आपका मिलता है गाइस। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो आप देखो कि ये देखिए आप यहाँ पे देखने का थोड़ा सा कोशिश करोगे, यहाँ पे देखने का आप कोशिश करोगे तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपको यही दिखेगा कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो याद रखो आप, है ना। तो भूलना नहीं है दोस्तों, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, है ना। सी करेक्ट आंसर है आपका। तो जिसका भी सी है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं एनीवन, ठीक है। तो जिसका भी आंसर सी है वो 2+ अपने स्कोर में कर लीजिए गाइस। आंसर होगा आपका सी, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। द प्री डोमिनेंट प्रैक्टिस एट हरप्पा वास, द प्री डोमिनेंट प्रैक्टिस एट हरप्पा वास क्रिमेशन, बरिंग द एस कैप्ट इन एंड अन एक्सटेंडेड बुरियल ऑफ द बॉडी अलोंग विद पोट्री या मेकिंग अ मेमोरियल टू मार्क द साइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द प्री डोमिनेंट प्रैक्टिस एट हरप्पा वास क्रिमेशन, बरिंग एस कैप्ट in an extended burial of the body along with the pottery या making a memorial to mark the site, A, B, C या D, what will be the correct answer? Cremation, burying as kept with an extended burial of the body along with the pottery या making a memorial to mark the site। तो माया सैनी ने आंसर सी दिया है, उसके बाद में संदीप सी, अभिजीत, शीतल, बनीता, अफरीन, मैत्री महातो, सुमित्रा मुखर्जी, तो काफी लोग आंसर सी दे रहे हैं। तो लेट्स सी कितने लोगों का सही होगा आंसर। सो गाइस आंसर करीब करीब आपका ठीक ही लग रहा है मुझे, है ना, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर ठीक लगा। तो आपका जो सी वाला आंसर है दोस्तों वो आपका काफी करेक्ट है दोस्तों। तो होता क्या था, जब किसी जो शख्स की वहां पे मृत्यु हो जाती थी, है ना, तो जो आपकी पोटरी होती है वो भी उसके साथ में दफनाते थे, पोटरी मतलब उसको पोटरी के साथ में दफनाते थे। तो उस आपके इस तरह के आपके ब्रियल्स मिलते हैं, है ना, जो सवाधान करें आपको कुछ इस तरह से आपको मिले हैं। तो मैंने आपको तीन चीज बताई थी दोस्तों कि ये देखिए आपको पोटरी दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये देखिए पोटरी दिख रही है आपको, ये सब पोटरी है, ठीक है, ये पोटरी है गाइस। ओके, तो देखो, तो मैंने आपको तीन फॉर्म ऑफ दफन की प्रथाएं तीन फॉर्म की बताई थी दोस्तों, है ना। एक तो दोस्तों क्या था आपका, एक तो कंप्लीट ब्यूरियल्स होता था, ठीक है, तो ये आपको याद है। एक दोस्तों फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स होता था, है ना, एक आपका होता था आपका बेसिकली पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स। तो ये सारी की सारी चीजें होती थी आपकी। तो तीन टाइप्स की आपकी दफन प्रथाएं मानी जाती हैं इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंप्लीट ब्यूरियल्स, फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स, पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स।
और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी दोस्तों कि जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके साथ में जो पोटरी होती थी उसको भी रखा जाता था। तो आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा आपका सी, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, अब दोस्तों एक बार मुझे आप सभी एक बार स्कोर बता दीजिए आपका, कितना कितना स्कोर किस किस का हुआ है, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे, है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी आपकी एक नेक्स्ट क्लास भी है 8 बजे, तो उस क्लास को अपन पहले अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आपकी 8 बजे एक क्लास है दोस्तों, स्पेशल क्लास जस्ट अभी 15 मिनट बाद में, है ना। तो हम उस क्लास को अटेंड करेंगे, आज के लिए हम यहीं पे पोज करते हैं। और पोज करने के लिए आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर आपका पेपर 2 हिस्ट्री है और आपको प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, आपको रेगुलर PDFs चाहिए, आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए, तो आप जो मेरा बैच है, जो आपका सक्सेस बूस्टर बैच है दोस्तों, सक्सेस बूस्टर बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, है ना। और जो सक्सेस बूस्टर बैच है दोस्तों वो आज से आपका शुरू हो चुका है। आज हमने ओरिएंटेशन क्लासेस की है, यूनिट 10 से हम शुरुआत करें हिस्टोरियोग्राफी से दोस्तों, और साथ में हम क्या करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ के साथ में करते जाएंगे गाइस। ओके जी, तो जिसको भी प्लस पे पढ़ना है वो आप जल्दी से जल्दी मेरा कोर्स ले लीजिए। और जब भी आप कोर्स लेंगे तो दोस्तों रेफरल कोड आपको ध्यान रखना है, रेफरल कोड आपको शिव10 ही अप्लाई करना है गाइस, ठीक है। रेफरल कोड याद रखिए, शिव10 ही आप अप्लाई कीजिए। और जब भी आप कोर्स लेंगे, या तो 12 मंथ का लेंगे या 24 मंथ का आप कोर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ का लेते हैं और मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा और आपका जो अमाउंट है वो 11,550 से 10,395 रुपए आपका हो जाएगा गाइस। एंड गाइस अच्छी बात ये है कि आपको क्रेडिट्स के भी डिस्काउंट मिलेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए आपको अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको यूज करो तो 10% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। ओके यस, बिल्कुल प्लस पे आपका पूरा क्लासेस होगा आकाश, प्लस पे हम पूरी की पूरी क्लासेस करेंगे गाइस। बाकी हमारे जो प्लस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम बहुत ही तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है मैंने, जितनी भी आपकी यूनिट्स करवाई हैं, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके इस बार के एग्जाम में आए हैं गाइस। ओके, तो अगर आपको पूरा सिलेबस करना है दोस्तों, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। और हिस्ट्री का सिलेबस काफी वास्ट सिलेबस है दोस्तों, है ना, इसलिए बोलो अभी आपके पास टाइम है, टाइम को वेस्ट मत करो, है ना, सब्सक्रिप्शन लो और पढ़ाई शुरू करो अपनी, है ना। बाद में दोस्तों फीस भी बढ़ेगी और टाइम भी निकल जाएगा, है ना। तो अभी ले लीजिए आप सब्सक्रिप्शन, अभी आपका फायदा है। रिसेंटली आपके कोर्सेज में लॉन्च करने वाला हूँ, अभी आपका हिस्टोरियोग्राफी का हुआ है, फिर मैं दोस्तों आपका जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, आजादी के बाद का भारत है, वो शुरू करूंगा। तो आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक कोर्स आपका शुरू होने वाला है, तो तब तक आप सभी लोग कोर्स ले सकते हैं। नाउ ठीक है जी, तो आप कोर्स ले लीजिएगा, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप ले सकते हैं। उसके बाद में फायदे क्या क्या हैं आप दोस्तों, फायदे ये होंगे आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन होंगे, आपको PDF मिलेगी, रेगुलर नोट्स मिलेंगे, आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्विज, होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी मेरे द्वारा, अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शिव10, तो आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे मैंने मेरा GRF निकाला, तो आपको भी मैं उसी तरह से गाइड करूंगा। उसके बाद में ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने फॉलो नहीं किया मुझे यहाँ से, तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर लो। इसके बाद में जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है, जो फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो दोस्तों 8 बजे है, 8 PM पे है, ठीक है, 8 PM पे है गाइस, ठीक है, नॉट 8:30, 8 PM पे है। तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिए। ओके चलो जी, और ये मेरे लाइव सेशंस हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना, आज के लिए इतना ही था, बाकी चीज हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं।